रीवा जिले के बांधी गांव के रहने वाले 60 साल के अनिरुद्ध प्रसाद द्विवेदी को पिछले महीने करंट का झटका लग गया था, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। हमने अनिरुद्ध से उनकी समस्या के बारे में बात की। चल जाता है ना पानी का, हमारे पास तो बोर सोड़ा ही नहीं, तो पानी लेके चले आवत रहन। अब नहीं जानन कि तार है, हम सोए को लकड़िया है, तो ओमा पड़ी हमारा पैर, तो हमका समझ ली कि बिल्कुल छपके रहन। पर अब हम पता नहीं कि आवत हमका कहाँ से उचा के कहाँ बैठाइस कहाँ पहुड़ाइस। एक ही बात हुईया, गरीब आदमी क्यों ना सुने न जानिस, और ये जब हमें शुद्ध खबर भाई तो धीरे धीरे चले गए तो लेट ही जाए। अजुआ समझ ली कि हाथ गोड़े में थरथराहट है, आज समझ ली कि वो के पूरा सुन हमारा शरीर है, और ये कंडीशन है। अब दाना बाहर मर रहे हैं, क्यों न कहूँ कि रोटी की दवाइया न क्यों पानी की दवाइया, अब परेशान हैं। यह अब हैंड पंप से लिए थे, या समझ ली कि एक महीना हो गया। जब पैसा नहीं है तो कहाँ से दवाई कराई। अब ससु के टाइम से टाइम नॉन रोटी मिल नहीं आता, पैसा दवाई करे कहाँ पैसा मिले। गल्ला कोटा सोटा जो जाना मिल जाते हैं, वहीं से गुजारा कर रहे हैं। अब समझ ली कि जब हमारा आदमी क्यों सुनते नहीं है, एंटे बैठे रहा बोनते बैठा चली थे, तो हम इतना कमजोर शरीर के बिल्कुल लात के बस भर गिर पड़ा। बांधी में करंट लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ इससे पहले भी कई लोगों को करंट के झटके लग चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग ताउम्र के लिए अपाहिज हो गए हैं। अनिरुद्ध के घर से थोड़ी ही दूरी पर 65 साल के जितेंद्र द्विवेदी का घर है। जितेंद्र साल भर पहले करंट में फंस गए थे। करंट की वजह से जितेंद्र अब कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं। जब से ट्रांसफार्मर लगा के आए दिन यहाँ जानवर मनुष्य का करंट लागत, कई जानवर एमा मर चुके हैं। जहाँ बैठे ये घर के पीछे वाले के जो एक ठे बछिया रही वह यह करंट में मर गए। ये कम से कम नहीं तो आज 15 साल हो गया जब से ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे बैठा है, तब से इसकी ये स्थिति हो गई है। और इसका कई प्रकार का कंप्लेन विद्युत मंडल को दिया गया है। विद्युत मंडल मात्र यहाँ पे बिल लेने के लिए आता है। यहाँ कई मरीज हैं, मैं भी हूँ, करंट लगा हुआ यहाँ पे, और एक हमारे परिवार के हैं, कई लोग हैं जिनको कि यहाँ करंट आए दिन करंट लगता है। ऐसा कोई नहीं है कि पहली चार हमको तो दिक्कत यह है कि हमारे करंट लगा 4 साल से मैं बैठा हूँ, चारपाई पे हूँ, इस करंट की वजह से चल नहीं सकता, कुर्सी ले लिए मैं घूमता रहता हूँ। हाँ, या तो मैं चारपाई में लेटूँगा या तो चेयर पे बैठूँगा। तो अब इतना चूँकि खून तो इसने सोख लिया जो करंट मारा, अब हमारी वीकनेस इतनी है कि हम चल नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा तो है ही है, आए दिन लोगों को करंट मारता है, जानवरों की हत्या हो रही है, कई दुर्घटना हम इन बैठ लागे। हमारे अभी अभी तत्काल हमारा फसल जो है ना यहाँ पे ये 3 एकड़ का जल गया, ट्रांसफार्मर के नीचे से आग लगी 60 सर्किट में। ऐसी एक और कहानी ढूंढने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। बांधी के ही 29 वर्षीय पीयूष द्विवेदी जन्म से ही विकलांग है, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता। पीयूष अपने परिवार के लिए अन्न दाता है। हाँ, खेती तो होती है। पिछले आज 29 साल से मैं जन्म लिया, जब से तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ न लाइट है, न पानी है, न कुछ है। अब मेरे पास तो लेबर मजदूर से करवाते हैं, तो 2 साल से ऐसा हो गया कि मेरे को खाने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। 2 साल से ट्रांसफार्मर मंजूर है, विधायक सांसद कोई सुनता ही नहीं है। सब बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये है वो है, फिर चुनाव पड़ने के बाद सब बिसर जाते हैं, बस हो गया, नहीं रहती है लाइट। और मिट्टी का तेल मिलता था वो भी बंद हो गया, अब क्या किस में रहें, अंधेरे में रहते हैं। मोटर वोटर नहीं चलता है, एक यहाँ गांव में पानी की भी समस्या है, हैंडपम्प सब नुकसान है, एक दो चल रहे हैं तो उसी से जाते हैं तो ले आते हैं। 2 साल से ट्रांसफार्मर मंजूर है, अभी तक ट्रांसफार्मर लगा नहीं है, क्योंकि अगर पिछले 15 दिन के अंदर अगर नहीं लगेगा तो हम आग हत्या कर लेंगे रोड में सर।
पब्लिक के सामने, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं खेत में, उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। कर्जा काटते हैं, बैंक से काटते हैं, लोन काटते हैं, सब कुछ करते हैं, उसको तो देना पड़ेगा ना। जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो देंगे कहाँ से। अभी जो 2-3 साल पहले मैं बोर करवाया, कैसे उधार लेकर करवाया, इधर उधर से गांव से ब्याज काट के, अब मोटर भी नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। एक ट्रांसफार्मर में 200-300 मोटर चल रहे हैं तो उसमें से वोल्टेज ही नहीं है। बांधी में बिजली की समस्या काफी लंबे समय से चल रही है। गांव के लोग इस समस्या को लेकर कई बार बिजली कार्यालय में धरना दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करीबन 1000 से ज्यादा की आबादी वाले इस गांव में मात्र एक ट्रांसफार्मर है, वो भी जला हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में जो केबल लगी है वो 20 सालों से बदली ही नहीं गई। केबल जमीन के बहुत पास आ गई है, जिसकी वजह से गांव में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इंसान के साथ साथ बेजुबान जानवरों की आए दिन मौत होती है। बांधी की आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन ट्रांसफार्मर न बदलने की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल से होगा तार सराहा लगा कते कबर मन कबार जे एस के त्रिपाठी जनार्दन मिश्रा विधायक नागेंद्र सिंह कई दर की बोला गया जे ई का बोला गया विकास यात्रा हो रही थी तब भी कहे थे कि लगा देंगे, आज तक यहाँ कुछ देखने वाले नहीं आए रहे हैं। पंप नहीं चल रहे हैं, रोज दूसरे तीसरे मोटर चल रहे हैं। ट्रांसफार्मर 2 मंजूर है बांधी के लिए तो आज तक लग नहीं रहे हैं 2 साल से। एक ट्रांसफार्मर से 3 किलोमीटर लाइट जाती, किसानों की सिंचाई नहीं हो पा रही है किसी प्रकार की। किसान तो परेशान है और किसान कोई सुनने वाला नहीं है, क्यों सबसे बड़ी समस्या थी इस समय गर्मी में पानी की है, ना तालाबों में पानी है ना नहर में पानी है, और बिजली लाइट सही नहीं रहती इसलिए ट्यूबवेल बोर भी सही ढंग से नहीं चलते, तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। खेती हो गया भगवान भरोसे, 1-2 पानी यदि भगवान दे दिया उससे वर्षा हो गई तो ठीक है, उसके बावजूद भी फसल सूख गई थी यहाँ की। और मतलब गेहूँ जो सरकार दावा करती है कि हम उसका दुगना कीमत देंगे, तो फसल इतनी कमज़ोर हुई है कि किसान सब घाटे का है, कि खेती का धंधा लगभग मिला के छोड़ रहे हैं, लोग खेती की तरफ नहीं जा रहे। और ये केबल ऐसा भी है टूटने के अलावा, ये केबल जमीन में धरी हुई है। हमारे यहाँ कम से कम 6-7 गौओं की हत्या हो चुकी है, इसमें 2 लोगों को ऐसा करंट मार दिया कि वो दोनों अपाहिज हो चुके हैं, अब वो किसी काम लायक नहीं, भूखों मरने के कगार में है। और बिजली विभाग ना तो कोई कार्रवाई कर रहा है, और ना तो मंत्री कोई कर रहा है, ना विधायक कर रहा है, ना कोई सांसद कर रहा है। सिंचाई नहीं हो पाई, फसल सूख गई। फसल सूखने की वजह से यहाँ का अगर डाटा उठा के देखा जाए तो अपने यहाँ बदवार सोसाइटी है जहाँ खाद्यान्न ये खरीदी केंद्र है, वहाँ अगर देखा जाए तो बांधी गाँव का 0 लगभग निकलेगा खरीदी में, क्योंकि फसल सबकी सूख गई है, खेती नहीं कर रहे। यहाँ लोग अगर ये राशन ये कोटा में कुछ मिल जाता है वहाँ से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, नहीं तो वो भूखे मर जाएं, ये स्थिति है यहाँ की। आखिर बिजली की समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? मध्य प्रदेश में बनने वाले 100% बिजली में 63% अकेला विंध्य बनाता है, उसके बाद भी लोगों के घरों में अंधेरा क्यों है? ये समस्याएं कब खत्म होंगी? क्या इसका जवाब बिजली विभाग दे पाएगा? बांधी गांव में ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर हम विद्युत वितरण केंद्र रीवा पहुंचे, जहां पे ऐसी ब्रजेश कुमार शुक्ला से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर देखने मेरे अंडर में नहीं आता है, इसको डी देखते हैं। जब हम नेहरू नगर डी सुशील यादव के पास पहुंचे तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद क्या हम इसका ये मतलब निकाले कि विद्युत विभाग इसके जवाब देने से कतरा रहा है? क्या अमला इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं कि आखिर क्यों ग्राम बांधी के किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वहां क्यों ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे? विंध्य का हक अभी मांगे या फिर चुने बेरोजगारी, गरीबी और मुश्किल? सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है, चुप रहना विकल्प नहीं।